मेरा नाम मंगतराम सिंगल है। मेरा जन्म 14 नवंबर 1942 को हुआ था। मेरे पिताजी का नाम लाला श्री कृष्ण था और मेरी माता जी का नाम श्रीमती राजवती था। मैं सईपुर गांव में पला पोसा हूँ, यहीं मेरा जन्म हुआ है। हमारा यहाँ हमारे परिवार का और हमारे दादा परदादाओं का 500 साल का इतिहास है इस गांव का। हम 500 साल से इसी मकान में और इसी घर में रह रहे हैं। पहले ये जो घर जहाँ हम बैठे हैं, पहले हमारी भैंसों का तबेला होता था। वो पुराना घर हमारा दूसरा था, उसके पीछे हमारा दूसरा घर है। तो उसके बाद मैंने ये 1970 में बनाया था ये, तो उसी के बाद हम यहाँ पर रह रहे हैं। मैंने अपनी शिक्षा यहाँ के प्राइमरी स्कूल एक भड़ोला था, वहाँ से तीसरी कक्षा पास करी। चौथी कक्षा मैंने बादली में प्राइमरी स्कूल था वहाँ से, बादली गांव है यहाँ हमारे से नज़दीक, हम पैदल जाते थे उस समय, यहाँ से 4-5 किलोमीटर था। तो वहाँ से मैंने 5वीं कक्षा की। उसके बाद फिर मैंने 10वीं जो है वो तिमारपुर हमारा स्कूल होता था, गवर्नमेंट हाई स्कूल होता था, पहले मैट्रिक की थी 1959 में। उसके बाद मैंने हिंदू कॉलेज सोनीपत में एडमिशन ले लिया था FSC में। 61 में FSC करने के बाद उसके बाद फिर मैंने BA का अपनी डिग्री ली। तो उसके बाद फिर मैं अपने बिजनेस में आ गया। मेरा व्यापार जो है दालों का व्यापार है और ये व्यापार मैंने 64 में शुरू किया था। मेरे पिताजी बहुत रिनाउंड यहाँ के व्यक्ति थे, वो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और 15 साल इस क्षेत्र के सरपंच रहे हैं, जिसमें ये सारा अलीपुर तक क्षेत्र आता था, बुराड़ी, अलीपुर, वजीराबाद, जगतपुर, सारा ये क्षेत्र, हैदरपुर, बादली। क्योंकि ये जो शालीमार बाग है ये तो 1967 के बाद ये बसा है। पहले तो हमारी सारी खेतों की ज़मीन होती थी, ये एक्वायर करके DDA ने फिर ये कॉलोनी काटी। ये हमारे सामने एक सी स्मेल है जो औरंगजेब के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर औरंगजेब ने उसका वहाँ पर अपने साले को उसके तेल के गर्म कढ़ाई में डालकर उसे मार दिया था। इसका नाम सालामार था। सालामार गांव अब भी है, पर वो गांव पहले टेम्परेरी था, जितने भी बाग के माली थे वो वहाँ रहते थे। अब तो वह काफ़ी बड़ा गांव हो गया है, पक्का हो गया है सब कुछ, आबादी भी डिक्लेयर हो गई है। तो उसकी बेस पे इस कॉलोनी का नाम शालीमार बाग रख दिया। एक्चुअली में ये गांव जो है शालामार के नाम से था। तो जब से हमारा इतिहास है, मेरी 6 बहनें थी, जिसमें से 2 बहनें मेरी गुजर गई हैं और हम 2 भाई थे। तो मुझे मेरे पिताजी और माताजी का मुझे बहुत प्रेम मिला, क्योंकि कई बहनों के बाद मैं पैदा हुआ था। तो उसके बाद मुझे उन्होंने बड़ा प्रेम दिया और बड़ी अच्छी मुझे हर जगह जो भी मैंने चाहा वो उन्होंने किया। जहाँ भी मैंने एजुकेशन लेनी चाहिए, जो भी कुछ किया, तो वो सारा मुझे अपने पिताजी से मिला। और आज जो भी कुछ है, मैं राजनीति में आया हूँ तो उन्हीं की वजह से आया हूँ। पहला जो मैंने चुनाव 1977 का लड़ा था वो उन्हीं के नाम से लड़ा था कि ये लाला श्री कृष्ण के बेटे हैं, मुझे कोई नहीं जानता था। उसके बाद फिर मैंने अपना काम किया, लोगों को दिखाया, तो उसके बाद मेरा नाम हुआ है कि मंगतराम सिंगल भी कोई राजनीतिक व्यक्ति है। मैं तो अब अकेला अपने बच्चों के साथ रह रहा हूँ। मेरे 3 बेटे हैं, तीनों बेटों की शादी होगी। उनके बड़े बेटे के जो संजय सिंगल है, उसके 2 बेटियाँ, 1 बेटा था, 2 बेटियों की शादी कर दी। अब एक बेटे ने LLM करके अब वो भी बिजनेस में आ गया। वो सर्विस में नहीं जाना चाहता। मैंने तो कहा था कि भाई आप जुडिशरी में चले जाओ, बोला नहीं मैं अपने बिजनेस में रहूँगा। तो वो भी बिजनेस में लग गया। दूसरा बेटा मेरा अजय सिंगल है, उसकी 1 बेटी वहाँ IBM में सर्विस करी है बेंगलोर में। दूसरा बेटा लंदन में है, न्यू कैसल में, वो वहाँ से प्रोडक्ट डिजाइनिंग का काम कर रहा है। तीसरे बेटे की जो बेटी है वो जीसस एंड मैरी से वो कर रही है BCOM ऑनर्स। और उसका छोटा बेटा जो है वो मॉन्टफोर्ट से अब 11वीं में है। तो ये सारा हमारा ज्वाइंट परिवार है। आपने देखा हमारी एक ही रसोई है, एक ही रसोई में खाना बनता है। सभी लोग जितने भी हैं, मेरे बच्चे, बहुएँ, पोता पोती, सब एक ही जगह हम खाना खाते हैं और एक ही जगह बैठ के खाना खाते हैं। वो टाइमिंग अलग अलग है, हर आदमी अपने हिसाब से जो भी नाश्ता लेना है, खाना लेना है, तो वो मेरे परिवार के ये जानकारी है।
मैं 77 में पहली बार चुनाव लड़ा, तो उस समय मैं 35 साल का था। तो मेरी बीवी ने मेरे से कभी ये नहीं पूछा कि मैं कहाँ रहता हूँ, कितने बजे आता हूँ, क्या करता हूँ, क्या नहीं। अपना बस खाना तो टेलीफोन कर दिया, नहीं तो आगे सो गए, कोई मतलब नहीं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जब तक पत्नी का साथ नहीं होता, आदमी ना आगे बढ़ सकता ना राजनीति कर सकता। हमारी एक छोटी सी दुकान होती थी आजादपुर में, किराने की दुकान थी। मेरे पिताजी किराने का काम करते थे, वो आड़त का भी काम करते थे। जितना इस देहात का गांव का जितना भी गेहूँ गुड़ शक्कर वो आके हमारी दुकान पे बिकता था आड़त में। उसके बाद मैंने फिर हमारे पास इसकी एजेंसी भी थी घी की पनघट की, तो उसमें काम करते थे। तो मैंने वहाँ से काम किया, तो मुझे हमारे जो काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है सराय पीपल थला में, वो हमारे पिताजी ने वहाँ दाल मिल का लाइसेंस लिया हुआ था बहुत पुराना। तो फिर वो मेरे को वहीं से प्रेरणा हुई कि जब हमारे पास एक साधन है तो हमें दाल मिल लगाना चाहिए। तो मुझे एक पार्टनर मिल गया था, उस पार्टनर की पार्टनरशिप में मैंने ये बिजनेस शुरू किया। वो पार्टनर मेरे साथ एक ही साल रहा बस, उसके बाद फिर मैंने सारा काम खुद संभाल लिया। और मैं 64 से लेकर 83 तक मैंने बिजनेस देखा, 77 से, क्योंकि 77 में मैंने पहला चुनाव लड़ा नगर निगम का, फिर 83 में लड़ा। तो उसके बाद 83 में मैं चेयरमैन बन गया वर्क्स कमेटी का, MCD में, जो टाउन हॉल में मैं बैठता था। तो मेरे पास समय नहीं था व्यापार करने का, क्योंकि दोनों चीज़ें करने में नुकसान होता था, राजनीति में भी नुकसान होता था, व्यापार में भी। तो मैंने राजनीति शुरू कर दी और व्यापार मेरे भाई ने संभाल लिया। उसके बाद मेरा बड़ा बेटा आके व्यापार संभालने लगा, और हमारा 64 से मेरा दाल मिल का धंधा है, जो बिजनेस है, व्यापार है। और अब उसके बाद ये जैसा मेरा छोटा बेटा विनय सिंगल ये आया LLB करके, तो फिर हम पैकेजिंग में आ गए। हमने पैकेजिंग का काम कर दिया दालों का, जो आज मंगत राम दालन के नाम से आप सुनते होंगे, देखते होंगे, हर जगह मिलती है। तो ये मतलब हमारा बिजनेस रहा है। राजनीति में मैं इसलिए आया कि हमारे बड़े मेरे प्रेम करने वाले चाहने वाले थे चौधरी मूलचंद जी, वो मेंबर मेट्रोपॉलिटन थे। उस समय कांग्रेस की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि इमरजेंसी के बाद इंदिरा जी हार चुकी थी, पार्लियामेंट में काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पर कोई कैंडिडेट नहीं था ये चुनाव लड़ने के लिए। तो उसने मेरे को बहुत कंपेल किया, उसने मूलचंद जी ने और चौधरी हरिहरन सिंह जी ने, कि भाई आप ही को यहाँ से चुनाव लड़ना है। जबकि मेरे पिताजी नहीं चाह रहे थे कि मैं चुनाव लड़ूँ, वो कह रहे थे कि हम व्यापारी हैं, व्यापार हमें करना चाहिए, हमें राजनीति से क्या मतलब। परंतु उनकी वजह से, और मेरा भी मन था कि मैं निगम पार्षद बनूं, तो मैंने वो 1977 में पहली बार चुनाव लड़ा। तो उस समय मैं यहाँ से विजयी हो गया था। देखिए 1977 में जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा, तो हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारी कभी केंद्र में सरकार आएगी, दिल्ली में सरकार आएगी, या नगर निगम में हम पावर में आएंगे, क्योंकि हालत बहुत ख़राब थी कांग्रेस की। कांग्रेस में तो जब हम कुर्ता पजामा पहन के जाते तो हमें शर्म आती थी, और कहते देखो ये कांग्रेस ही जा रहा है, ये हमें ऐसे ही मतलब नीच भावना से लोग देखते थे। और उस समय तो ये नारा देते थे, एक कांग्रेस ही दिखाओ और 1,000 रुपया पाओ, ये अपोजिशन का नारा था। तो उस समय हमने राजनीति शुरू करी, और ये सोच के करी कि हम जब भी चुनाव लड़ेंगे तो विरोध में लड़ेंगे, मतलब हमारा कोई पार्टी का सहारा नहीं होगा। परंतु इंदिरा जी ने 1980 में दोबारा चुनाव लड़ा, और उसके बाद वो पावर में आई। तो उसके बाद फिर 83 में हम पावर में आए। तो हमारी जो भावना थी वो सेवा की भावना थी, कि हम काम करें, लोगों को डेवलप दें। तो हमने वहाँ गरीबों में काम किया। मैंने खुद एक बार स्ट्राइक हो गई सफाई कर्मचारियों की, तो वहाँ मैंने खुद झाड़ू लेके लैट्रिन साफ की, क्योंकि जब कच्ची लैट्रिन होती थी, कोई वो नहीं होता था, सीवर सिस्टम नहीं होता था, लोग बच्चे बाहर कर जाते थे। तो हमने तो सेवा भावना से काम किया, और आज की राजनीति तो काफ़ी बदल गई है। कि मैंने 1993 में मैंने पहला चुनाव लड़ा, तो मैं 40 वोट से हार गया था उस समय, जब BJP की राम मंदिर की हवा थी। तो उसके बाद फिर 1998 में मैं कोई 18-19 हज़ार वोट से जीता। तो उसके बाद जितना भी विकास का काम है, चाहे वो पार्क का काम था, सड़कों का, पानी की लाइनें नहीं थी, हमारा धीरपुर गांव है, नरंकारी कॉलोनी है, वहाँ ना सीवर लाइन थी, ना पानी की लाइन थी, ना बिजली थी। ये सारी चीज़ें जो रोज़ाना ज़रूरत की हैं, चाहे वो बिजली, पानी, सीवर, गलियाँ बनाना, पक्की, पहले तो
ईंटों की हम गलियां बनाते थे, उसी में लोग बड़े खुश होते थे। तो हमने वो विकास किया, बड़ी नीचे से वो विकास किया। उसके बाद फिर जब जो आ गया राशन का काम आ गया, दूसरे काम आ गए, तो फिर उसी में लग गए हम, राशन कार्ड बनवाने में, लोगों की पेंशन बनवाने में, ओल्ड एज पेंशन, विधवा पेंशन, दूसरी हैंडीकैप पेंशन। तो ये सारी चीज़ें सेवा की भावना से थी और सेवा हम करते थे। हम मंत्री होने के बाद भी लोगों के बीच में रहते थे, लोगों के घरों में जाते थे, इंस्पेक्शन करते थे। आज तो कोई इंस्पेक्शन ही नहीं कर रहा है। पहले हम हर शनिवार को अपने एरिया में जाते थे, वहाँ खड़े होकर नालियाँ साफ़ करवाते थे, सड़क साफ करवाते थे, सारा काम करते थे। आज तो हर आदमी अपना जो भी है, चाहे वो निगम पार्षद है, चाहे वो MLA है, उसे कोई मतलब नहीं है एरिया से, ना उसको नॉलेज है। अब मैं अब बैठ के आप मेरे से आज भी मेरे क्षेत्र के बारे में कुछ भी सूचना ले सकते हैं। मुझे एक एक गली का पता है, एक एक काम का पता है, क्या मैंने सीवर डलवाया, कहाँ बिजली के खंभे लगवाए, क्या किया क्या नहीं किया, कितने पार्क डेवलप करवाए। ये सारी चीज़ें हमने उस सेवा भावना से की। मेरे प्रेरणा स्रोत तो मेरे माता पिता रहे हैं, और हमारे जैसे मैंने बताया राजनीति में चौधरी मूलचंद जी मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, वही मुझे लाए। नहीं तो मैं तो राजनीति में आने का मेरा कोई सवाल ही नहीं था। उसके बाद शीला जी का मुझे बड़ा वर्द हस्त मिला है, मेरे को मंत्री बनाया, चीफ भी बनाया, तो उनसे उनका भी मेरे ऊपर बड़ा हाथ रहा है, मतलब राजनीति में ऊपर उठाने के लिए। अब केजरीवाल जी की सरकार है, उसको मेरे ख्याल में आज हो गए 3-4 साल हो गए, और हमारी सरकार भी रही 15 साल। हमने क्या डेवलपमेंट, कितना डेवलपमेंट किया। आज चारों तरफ फ्लाई ओवर हैं, बिजली है। पहले बिजली ये हालत थी कि एक एक हफ्ता लोगों के ट्रांसफार्मर जले रहते थे, घरों में बिजली नहीं होती थी। हमने अब 24 घंटे हम बिजली दे रहे हैं। पानी हमने 24 घंटे देने की बात करी, सफाई की बात करी। आज दिल्ली नगर निगम में क्या हाल हो रहा है। हम हमेशा 3,000 करोड़ रुपया हमारी सरकार देती थी दिल्ली नगर निगम को कि आप काम करो। हम यही नहीं देखते थे कि BJP के यहाँ लोग बैठे हैं या दूसरे लोग बैठे हैं। आज की कोई राजनीति है। अब केजरीवाल को सोचना चाहिए कि केंद्र सरकार से कॉरपोरेशन का अलग से पैसा आता है, वो क्यों नहीं पैसा उसको दे रहे। आज पूर्वी दिल्ली में जाओ, पूर्वी दिल्ली नगर निगम में, वहाँ सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही। तो ये जो आपस में एक बैर भाव की राजनीति होगी। हम मेरे पास हम मंत्री थे तो BJP के MLA भी आते थे और लोग भी, हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये BJP का MLA या BJP का वर्कर जो आया, हमने सबके लिए काम किया, हमारे लिए सब बराबर है। चुनाव में तो ठीक है मतभेद होते हैं, पर चुनने के बाद कोई मतभेद नहीं होता। ये चुनौतियाँ क्या हैं? चुनौतियाँ तो संघर्ष है, और संघर्ष ही जीवन का एक रास्ता है। यदि आप संघर्ष नहीं करोगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ोगे। टर्निंग पॉइंट तो अब यही आया है कि अब राजनीति में मैं 2013 में चुनाव हारा था। उसके बाद फिर राजनीति में कोई आनंद नहीं रहा, कोई इज्जत नहीं रही, कोई लोगों को पहचान नहीं रही, कौन किस किस्म का आदमी है, ये ईमानदार है बेईमान है। यहाँ तो सब गधे घोड़े एक ही भाव हैं। पॉलिटिकल कैरियर से इसलिए मैं निराश लगता है हमें कि जो आज हमारी आवश्यकता है पार्टी को, उस पार्टी जो है वो हमारा फ़ायदा उठाए, हमारे तजर्बे का फ़ायदा उठाए, हमारी उम्र का फ़ायदा उठाए, जो हमने काम किए हैं, जो हमने हमारी रेपुटेशन कमाई है उसका फ़ायदा उठाए। वो फ़ायदा हमारी पार्टी को नहीं मिल रहा है, इसलिए मुझे तकलीफ है। कृष्ण भगवान ने कहा ना, कर्म जो है सबसे बड़ी चीज़ है। आप कर्म ऐसे करिए कि जो आपको ऑटोमेटिकली सफलता मिलती है। आप ईमानदारी से चलें, लोगों की सेवा करें, लोगों को प्यार करें, तो आपको हर चीज़ में सफलता मिलेगी, चाहे व्यापार है चाहे राजनीति। राजनीति में गरीब आदमी की आप सेवा करें, उनसे संपर्क बनाएं, उनको जो काम है वो करें ईमानदारी से, तो सफलता मिलती है जी। अच्छा, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, अपना फ्रेश वगैरह होकर मैं योगा करता हूँ 1.5 घंटा। उसके बाद मैं 8 बजे बाहर लोग मेरे से मिलने आते हैं, 8 से 10-11 बजे तक मैं बाहर बैठता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। उसके बाद फिर अपना स्नान वगैरह किया, खाना खाया, तो आराम करना हुआ तो 1-1.5 घंटा आराम कर लेते हैं। उसके बाद जो भी क्षेत्र में काम हो, किसी के पास जाना हो, तो अपना करके घर में 7-8 बजे कोशिश करते हैं आने की। शादियों में टाइम लग जाता है, जब शादियाँ होती हैं तो 2-2 रात को बच जाती हैं, तो वो थोड़ा सा हमारा उस समय ज़्यादा व्यस्त टाइम होता है। योगा के बाद मैं इसका, हमारा एक डिस्ट्रिक्ट वो पार्क है DDA का, स्पोर्ट्स क्लब है,
उसका भी मेंबर हूँ। हमारे डिस्ट्रिक्ट पार्क है, सामने भी पार्क है, तो अपने आप को किसी ना किसी व्यायाम में मैं व्यस्त रखता हूँ, चाहे योगा के रूप में हो, चाहे वो मॉर्निंग वॉक के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, तो उसको मैं अपने आप में को अपने उसमें व्यस्त रखता हूँ। जिंदगी तो जीने का आनंद है, इसको आनंद से जिए तो जिंदगी है और इसे दुख से जिए तो नरक है। ट्रैवलिंग का तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, मैं तो शुरू से ही सारे काफ़ी यूरोप घूम लिया हूँ, एशिया काफ़ी घूम लिया हूँ। अभी मैं रिसेंटली 18 तारीख को नॉर्थ कोरिया गया था, मैं 3 बार नॉर्थ कोरिया जा चुका हूँ, जो कि किम जोंग उन की जो है वहाँ से वो मेरा काफ़ी उनसे संपर्क, अभी 3 दिन चाइना लगा के आया हूँ, काफ़ी मैं विजिट करता रहता हूँ, काफ़ी संस्थाओं से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। हमारी ऑल इंडिया वेस्ट फेडरेशन है, हरिजन सेवक संघ है, एक संस्था हमारी गांधी स्मारक निधि है, उसके 2 स्कूल हैं, एक अस्पताल में, एक पड़पड़गंज में, मैं उसका चेयरमैन भी हूँ, उसे भी मैं देखता हूँ। तो उसमें यही है कि आदमी को हमेशा सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, जितना आप दूसरों से सीखोगे, बात करोगे, उस ज़्यादा नॉलेज आएगी और उस नॉलेज का फ़ायदा फिर अपने जीवन में भी हमें लेना चाहिए। नहीं, हमारे तो पहले तो जब राजनीति में नहीं थे, पिक्चर वगैरह देख लेते थे और घूमते थे, पर जब से राजनीति में आया हूँ बस तो लोगों की सेवा में मेरी हॉबी है कि लोगों के घर जाना, मिलना जुलना, फंक्शन अटेंड करना। अब हमारा जीवन ये है, सुबह हम टेलीफोन आ जाता है जी डेथ होगी, फलाने बॉडी आदमी की डेथ होगी, वहाँ जाना है, कभी निगम बोध घाट जा रहे हैं, कभी शाम को 3 बजे पगड़ी शुरू हो जाती है, पगड़ी रस्म, उसके बाद फिर शाम को शादियां हैं, कोई फंक्शन है, कोई जन्मदिन है। किताबें तो जो भी है धार्मिक हैं या रोज़ाना की मैगजीन आती है, जैसे अखबार है मेरा, मेरे पास 4-5 अखबार आते हैं, तो मैं 1 घंटा डेली अखबार पढ़ता हूँ और अखबार से जो भी कुछ निष्कर्ष निकालना होता निकालते हैं, जितने भी हैं, चाहे वो भागवत है, रामायण है, ये सारी जो भी हमारी जीवन में काम आने वाली चीज़ें हैं, सुबह नहा धो के पूजा करना और करना। तो धर्म की परिभाषा तो ये है कि किसी का बुरा मत करो, हमेशा दूसरों की भलाई में अपना जीवन बिताओ और सदाचार से कर्म योगी बनो, कर्म करो अपना और अच्छा कर्म करो, यह हमें धर्म सिखाता है। समाज से तो दुख में सुख में आना जाना तो उससे जुड़े रहते हैं, संस्थाओं से जुड़े रहते हैं, उनके प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम में आना जाना, तो सारा ऑटोमेटिकली जुड़ाव रहता है उनसे। मुझे इंदिरा गांधी जी के साथ रहने का बड़ा मौका मिला, मैं 78 में मेरे यहाँ बाढ़ आई थी, तो इंदिरा जी मेरे यहाँ 2 बार आई, तो मैं उनसे बड़ा प्रभावित हूँ, बड़ी मेहनती महिला थी, मतलब हारने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मैं उनसे काफ़ी जुड़ा रहा, बहुत नज़दीक से मेरे संबंध हो गए थे उनसे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो नेहरू परिवार है मेरी प्रेरणा स्रोत, मैं कहूँगा कि हैं इस परिवार से। आज ये कहते हैं कि परिवारवाद चला हुआ है, परिवारवाद किसका नहीं चला हुआ है, बीजेपी में नहीं चला हुआ, कहाँ नहीं चला हुआ। अब मैं वहाँ गया था अभी नॉर्थ कोरिया, तो वहाँ 3 बीड़ी से एक ही उसका है, उसके दादा ने फ्रीडम दिलवाई, उसके पिताजी ने उस देश को आगे डेवलप किया, बेटा डेवलप कर रहा है। तो ये तो डॉक्टर का बेटा तो डॉक्टर ही बनेगा, व्यापारी का बेटा व्यापारी बनेगा, राजनीति का या आदमी का बेटा राजनीति में आएगा। राहुल गांधी हमारा लीडर है और लीडर बनेगा और उम्मीद है कि हम 2019 में अच्छी उसमें मेजोरिटी से हमारी पार्टी आएगी और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कौन प्रधानमंत्री बनता है। आगे के सपने यही हैं कि राजनीति की जाए, राजनीति में अपने परिवार को लाया जाए, बच्चों को लाया जाए, जिससे कि अच्छे लोग, जब तक अच्छे परिवार से लोग नहीं आएंगे तो फिर सेवा भावना नहीं रहेगी। केवल आप यही राजनीति के नाम पे ऐसे लोगों की भीड़ लगाए जाएं जिसका कोई सेवा भावना का अपना वो नहीं हो तो वो नहीं चलता। मेरा पिताजी का रहा है, हमारे दूसरे नेताओं का मेरा अच्छा सपोर्ट रहा है, शीला जी का रहा है, मुझे शीला दीक्षित जी का बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट मिला है, इंदिरा जी से भी मुझे बहुत प्रेरणा मिली, उस समय हमारे भगत जी एच के भगत साहब होते थे उनसे भी मुझे अच्छी प्रेरणा मिली। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि आपको अपनी ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए
और देश के लिए कुछ करना चाहिए, समाज के लिए करना चाहिए, तो आप ज़्यादा सफल व्यक्ति रहेंगे। और आपने अपना व्यक्तिगत जीवन सोचा तो फिर आपका आगे का लोगों से संपर्क टूट जाएगा, लोग नहीं आपको रिश्तेदार भी याद नहीं करेंगे यदि आप किसी के सुख दुख में काम नहीं आएंगे। मैंने तो बहुत देखा है कि बड़े बड़े अफसर बन जाते हैं, IAS बन जाते हैं, जब तो किसी से बात करते नहीं, जब रिटायर हो जाते हैं तो फिर पूछते फिरते हैं कौन मेरा रिश्तेदार है, मैंने बेटी की शादी करनी है, कौन मेरी बेटी की शादी करवाया, कौन मेरे बेटे की शादी करवाएगा। तो जो समाज से दूर हो जाते हैं तो वो फिर समाज भी उनको दूर कर देता है।